नमस्कार, मैं हूं अंकित सिंह और आप देख रहे हैं अंकित न्यूज। ये मस्जिद देख रहे हैं साइड में, हाँ ये मस्जिद ही है और यहाँ पे गए हैं नरेंद्र मोदी। अब ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, देखिए भारत में जो है वो अधिकतर कहा जा रहा है आजकल कि मुस्लिमों पे अत्याचार हो रहा है, क्योंकि जो प्राइम मिनिस्टर भारत का है वो मोदी है, ऐसा ही कुछ कहा जा रहा है। और अभी मोदी जी जो हैं वो मस्जिद में विजिट कर रहे हैं और भारत में इसका विरोध हो रहा है, और विरोध करने वाला भी मुस्लिम ही है। अब बड़ा अजीब सा बात है ना। मैं थोड़ा सा बता दूं कि ये कहाँ पे गए हैं मोदी जी, किस मस्जिद में गए हैं, और थोड़ा सा डिटेल दूंगा, और उसके बाद मैं बताता हूँ ओवैसी की बात कि ओवैसी क्यों भड़क गए हैं। भाई मोदी जी अगर मस्जिद में जा रहे हैं तो ओवैसी को क्यों मिर्ची लग रही है। दरअसल ये मस्जिद जो है वो इजिप्ट में है, 1000 साल पुरानी मस्जिद है, और यहाँ पे एक समुदाय है, बोहरा समुदाय, ठीक है। अब ये बोहरा समुदाय जो है वो वहाँ के लिए खास अहमियत रखता है, क्योंकि इस मस्जिद के निर्माण में इसका योगदान बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और ऐसा माना जाता है कि भारत में भी जो बोहरा समुदाय है, ठीक है, गुजरात में, तो यहाँ पर मोदी जी की काफ़ी अच्छी पकड़ है, ठीक है ना। अब ये सब बहुत लिंक लोग लगा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे वो गए थे मस्जिद ही घूमने, हालचाल लिया, तारीफ करी, बहुत कुछ हुआ, ठीक है। इस वीडियो को, ये न्यूज जब आई यहाँ पे तो बहुत लोग खुश भी हुए, लेकिन ओवैसी पता नहीं क्यों नाखुश हो गए। वो एक भाषण में कहते हुए दिखाई दिए कि ये भारत के नेता हैं आप मोदी जी, तो आप इजिप्ट में नहीं, आप मेरे साथ चलिए वहां काशी, काशी के मस्जिद में चलते हैं। मतलब कल को ओवैसी जी को संतुष्ट करने के लिए फिर नवरात्रि में बोलेंगे कि आप मांस खाइए तभी आप मुस्लिमों के शुभचिंतक होंगे, क्योंकि नवरात्रि चल रही है ना, मांस खाइए तभी। हद है भाई, वो गए और उन्होंने घूमा, अब इसमें लोगों को भड़काने की क्या जरूरत थी। चलिए आप लोग बताइए और जुड़े रहिए अंकित न्यूज के साथ।